तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाली नाश्ता, बहुत ही हेल्दी वाली और बहुत ही स्वादिष्ट वाली, और जो कि आप एक बार किसी खिलाओ उंगली चाटते ही रह जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी खुशबू लेते हुए घर में आपको पूछेंगे क्या बनाए हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले हमें ले लेनी है यहाँ पे 8 से 10 ले लेनी है अजवाइन की पत्ते। ये हर कोई अपने घर में लगा के रखते हैं गमलों में अजवाइन की पत्ते। यहाँ हमने ले लिया 1 पाव से ज़्यादा अरबी ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे अरबी को हमें अच्छे से छीन लेनी है। अरबी आप अगर ले के आओगे बाज़ार से तो ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा मतलब कि मोटी ना, ज़्यादा पतली, बिल्कुल ताज़े वाली अरबी लेनी है। इसी मीडियम साइज़ की अरबी लेनी है पकौड़ी के लिए। तो यहाँ पे हमें अरबी को जो है छील लेनी है। छील के सारे अरबी जब हमारा छील जाएगा उसके बाद हमने इसको धो लिया नमक की पानी से। यहाँ अजवाइन के पत्ते हरी मिर्च को भी अच्छे से धो लिया था। अब यहाँ पे हमने 1 पोथी लहसुन का ले लिया था। यहाँ ले लिया हमने मिक्सी की जाल, जिसमें हमें 1 प्याज ले लेनी है मीडियम साइज की, और उसके बाद इसी में हमें डाल देनी है हरी मिर्च और अजवाइन की पत्ता। तो अजवाइन के पत्ते से जो है पकौड़ी में टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट आती है, बहुत ही अच्छी लगती है खुशबू, तो इसीलिए हमने इसमें अजवाइन नहीं डालनी है। तो अजवाइन की जगह हमें थोड़ी सी इसमें हमने डाल दिया, सबसे पहले इसमें मिर्ची पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच करीब, 1 चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ डाल दिया 1/2 चम्मच करीब जीरा, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग से भी अच्छा मतलब कि खुशबू आती है अरबी में और बाय नहीं करता है। यहाँ हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद हमने यहाँ मसाला एक तरफ एक साइड में रख दिया जाल में करके। यहाँ ले लिया हमने कद्दूकस, जिसमें हमें अरबी को कद्दूकस कर लेनी है, मोटे मोटे मोटा वाला हिस्से से कद्दूकस कर लेनी है। यहाँ हमने ले लिया जाल मतलब मिक्सी में हमने पीस लिया अपने मसाले को। यहाँ हमारी अरबी बिल्कुल तैयार हो चुका है कद्दूकस करके। हमने डाल दिया मसाला इसमें जो हमने पीसा था, उसके बाद यह दरदरा करके ही कूट पीसनी है। यहाँ ले लिया हमने 2 से 3 करीब मतलब कि बेसन ले लिया, मोटी बेसन, और आप बारीक वाली भी डाल सकते हो इसमें। अगर बेसन नहीं हो तो आप आटा भी डाल सकते हो इसमें, मैदा। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब कि बनती है पकौड़ी अरबी की। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बना के देखना, अरबी की पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। आपने अरबी के पत्ते की पकौड़ी तो खाए होंगे, मतलब कि अरबी की भी खा के देखिए आप एक बार। अगर फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी फ्रेंड। तो यहाँ हमने तेल गर्म हो चुका था हमारा कढ़ाई में रिफाइन, तो हमने यहाँ पकौड़ी तलने के लिए शुरू कर दिया। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो गले में जो थोड़ा सा मतलब कि आवाज़ भारी भारी आ रही है, मुझे बुखार हो गया था, तो मतलब कि अब तबीयत ठीक है, तो अभी तो गला ठीक होने में टाइम लगेगी, 2-3 दिन मतलब कि लगेगी। तो यहाँ हमने पकौड़ी बिल्कुल तल के तैयार कर दिया फ्रेंड, बहुत ही देखना जब देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। ये अरबी की पकौड़ी एकदम करारी करारी बहुत ही अच्छी, एकदम बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आज नाश्ते में पकौड़ी ही बच्चों की ऑर्डर थे, तो हमने आज अरबी की ही पकौड़ी बना के बच्चों को खिलाया। यहाँ पे चाय रख दिया था बनने के लिए, पकौड़ी के साथ में गरम गरम चाय क्यों नहीं हो जाए। तो हमने सारे पकौड़ी तल लिए हैं, एक मतलब कि 1 पाव से ज़्यादा अरबी लिया था, बहुत ही अच्छी पकौड़ी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को।